कितने बच्चों को गिनती आता है? सबको आता है। चलो मैं बताऊंगा, दो चीज अलग अलग रख के उसको गिनना है, ठीक है? ये कितना है ये बताना है, और ये कितना है ये बताना है। कितना है ये? चार है, ठीक है। ये कितना है? छह है। अब एक क्या काम करते हैं, एक प्लेट में चार लड्डू है और एक प्लेट में छह लड्डू है, इन सारे लड्डुओं को एक प्लेट में डाल देते हैं। पहले चार उठाया, एक दो तीन चार, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, चार चला गया। अब यहाँ से छह और उठाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। इस प्लेट में गिना था तो चार था, इस प्लेट में गिना था तो छः आया, यहाँ इस प्लेट में कितना है? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। क्या कर रहे हैं हम लोग? गिन रहे हैं ना, गिनती सबको आता है। क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं। यहाँ हमने गिना था अलग, यहाँ गिना इसको अलग, लेकिन यहाँ एक साथ गिना है। एक साथ गिनने का मतलब क्या होता है? क्या क्या होता है? जोड़ना, मतलब चार जमा छः कितना होगा? दस। चार जमा छः, चार को जोड़ेंगे छः से तो कितना आ गया? इसको पहले हमने अलग गिना, इसको अलग गिना, दो चीज़ें अलग अलग गिनी हमने। क्या करा? अलग अलग गिनती किया है। जोड़ा उसको? नहीं जोड़ा। फिर हमने उसी चीज़ को एक साथ रख के गिना। क्या करा? एक साथ रख के गिना, मतलब एक साथ उसको रख दिया, उसके बाद उसे गिना। तो जब एक साथ रख के किसी चीज़ को गिनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जोड़ कहते हैं, एडिशन कहते हैं, ठीक है? तो हम क्या करेंगे आज? जोड़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जोड़। आसान है या मुश्किल है? आसान है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या करा? गिनती किया। क्या करा है? गिनती किया है। मैंने सिखाया था गिनती उंगलियों पे करने के लिए, एक से लेकर 99 तक गिनती हम लोग अपने उंगलियों पे कर सकते हैं। कैसे कैसे करवाया था, याद है किसी को? कौन बताएगा? आ जाओ, जल्दी आ जाओ। कैसे होता है? हमारे पास दो हाथ है, एक सीधा वाला हाथ और ये एक उल्टा हाथ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, है ना? राइट हैंड वाले को क्या मानते हैं हम? इकाई। क्या मानते हैं? वंस। लेफ्ट हैंड वाले को क्या मानते हैं? दहाई। टेंस, है ना? यही होता है। इसमें जो उंगलियां हैं उसको बोलते हैं एक 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 एक, और जो अंगूठा है उसे क्या बोलते हैं? थंब को पांच। ऐसे ही ये जो उंगलियां हैं दहाई वाले स्थान पे, तो क्या हो जाएगा? दस 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 दस। और ये थंब, ये क्या होगा अंगूठा? पचास। अब जब गिनती करना होगा हम लोगों को, एक बोलना होगा, तो एक उंगली बाहर, जब ये बंद है तो कैसा रहेगा? ये जीरो। एक किया तो एक उंगली बाहर, दो तीन चार, पाँच के लिए अंगूठा, छः सात आठ नौ, दस के लिए ये बंद, यहाँ पे दस वाला एक है ना इधर। तो ऐसे ही सिखाया था, याद है? कौन करके दिखाएगा? कौन करके दिखाएगा? अच्छा बताओ। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अठावन उनसठ साठ इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. तो हम लोग अपने दो हाथ पे 99 तक गिनती गिन सकते हैं, है ना? किस तरीका सिखाया था? सबको आता है? ठीक है, अब इसी से हम लोग सीखेंगे, जोड़ना सीखेंगे इसी से, ठीक है? देखो हमारे पास ना, हमने क्या जाना, किसी भी दो संख्याओं को या किसी भी कुछ चीजों को एक साथ रख के जब गिनते हैं, क्या करते हैं? गिनते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जोड़ कहलाता है ना? हमें ये पता है कि जोड़ क्या होता है, हमें ये भी पता है गिनती क्या होता है, और हम लोग उंगलियों पे गिनती गिनना हमें आता है ना? Yes, सबको आता है? Yes, अब हमें क्या सीखना है? जोड़ सीखना है। Yes, अगर हम कागज पे कॉपी पे अगर हम करें जोड़, कैसे करते हैं हम जोड़ कॉपी पे? हमने लिखा 4 + 2, तो क्या करेंगे? अगर बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल जीरो, तो 4 के लिए 4 लाइन खींचेंगे, 1, 2, 3, 4। 2 के लिए 2 लाइन खींचेंगे, 1, 2। अब इन 4 को और 2 को एक साथ रखेंगे, जैसे ये अलग अलग था ना लड्डू, अलग अलग प्लेट में। अभी 4 को और 2 को एक साथ एक जगह पर रखेंगे, पहले 4 फिर 2 और, 1, 2। अब इन सबको पूरे को गिनेंगे, कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 6। मतलब 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया। इसमें टाइम लगा, है ना? एक तरीका और क्या होता है कि हमने 4 उंगलियां ऊपर कर ली, हमने 1, 2, 3, 4, फिर 2 और, 1, 2। अब गिनो से कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे भी हो गया। लेकिन मान लो हमारे पास सिर्फ 2 ही संख्या है, तो उंगलियों पे कर ले रहे हैं, हमारे पास 10 ही तो उंगली है, तो हम उंगलियों पे कर लेंगे छोटे नंबर को। लेकिन जब बहुत सारा नंबर आ जाएगा, जैसे 2 + 3 + 4 + 8 + 6 + 7 + 5 + 2 + 3 + 5, बहुत सारा आ गया। अब पूछा है कि बताओ कितना हुआ। तो ऐसा करने के लिए हमें ऐसा सिखा दिया जाए कि हाथ को ही कैलकुलेटर की तरह बना दिया जाए, कैसा रहेगा? देखो गिनती आता है, उंगलियों पे गिनती आता है। 2 के लिए क्या करेंगे? 1, 1 वाला 2 उंगली। हमारे हाथ में सीधे हाथ पे जिसको हम इकाई मान रहे हैं, उल्टे हाथ को क्या मानते हैं? दहाई मानते हैं, है ना? तो सीधे हाथ पे क्या करना है, इसको जब बंद रखेंगे तो मतलब क्या है? इसका संख्या 0 है। कैसा है? 0। एक उंगली निकालेंगे तो क्या होगा? 1। 2 उंगली निकालेंगे तो 2। उंगलियों का नंबर क्या है इकाई वाले पे? 1, 1 है। और अंगूठे का क्या है मान? 5। दूसरे हाथ पे जो उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड, इसमें क्या बोलते हैं हम लोग? टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस। इस पे उंगलियों का मान क्या है? 10, 10, 10, 10, 10, 10। और अंगूठे का 50। ऐसे ही देखो हमें क्या करना है, 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ दिया। 3 और जोड़ना है, लेकिन यहाँ पे 2 ही उंगली हमारे पास है। 3 और जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 5 को ऊपर करेंगे। 5 में ऊपर क्या मतलब, कितना एक्स्ट्रा जोड़ दिया हमने? 2 एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 2 को कम कर दो। अब 4 और जोड़ना है, 1, 2, 3, 4, 4 हो गया। 8 और जोड़ना है, 8 यहाँ पे है हमारे पास? नहीं है, तो यहाँ 10 वाला ऊपर करेंगे, तो हमने 10 जोड़ तो दिया, लेकिन कितना एक्स्ट्रा हो गया? 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 यहाँ से कम कर देंगे। अब 6 और जोड़ना है, 6 यहाँ पे जुड़ सकता है? नहीं है, तो 10 जोड़ेंगे और कितना कम करेंगे? 4 कम करेंगे, यहाँ से 4 कम करने के लिए नहीं है, 5 कम करने के लिए है। तो कितना एक्स्ट्रा कम कर दिया हमने? 1 एक्स्ट्रा कर दिया, तो 1 को बाहर कर दो, हो गया 4 कम। अब 7 जोड़ना है, 7 के लिए क्या है यहाँ पे? 5 और 6 ही है, 7 नहीं है, तो यहाँ 10 जोड़ेंगे और कितना कम करेंगे? 3 कम करेंगे, तो 7 जुड़ गया। अब यहाँ पर 5 है, 5 जोड़ना है, तो 5 के लिए हमारे पास अंगूठा है, 5 जोड़ दिया। 2 जोड़ना था, 1, 2। 3 जोड़ना है, 3 यहाँ पर नहीं है, तो क्या करेंगे? 10 जोड़ेंगे, कितना कम करना है फिर? 7 कम करना पड़ेगा, 5, 6, 7। 5 जोड़ना है, 5 जोड़ दिया, बताओ कितना हुआ? 10, 10, 10, 10, 40 और ये 5, 45, कितना हुआ? 45, 45। कितना टाइम लगा? तुरंत हो गया। और अगर इसको ऐसे किया जाए, 2 के लिए 2 लाइन, 1, 2, 3 के लिए 3 लाइन, 1, 2, 3, 4 के लिए 4 लाइन, 1, 2, 3, 4, ये 8,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, इसके लिए छः, एक दो तीन चार पाँच छः, सात के लिए सात लाइन, एक दो तीन चार पाँच छः सात, पाँच के लिए पाँच लाइन, एक दो तीन चार पाँच, दो के लिए दो लाइन, एक दो, तीन के लिए तीन लाइन, एक दो तीन, पाँच के लिए पाँच लाइन, एक दो तीन चार पाँच। छोटे क्लास में जब हम लोग नहीं आता है तो ऐसे ही करते हैं ना, लाइन खींच खींच के। अब इनको गिनेंगे लास्ट साथ, सबको एक साथ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौबीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस चौलीस पैंतालीस। कितना आ रहा है? अब इतना लंबा गिनेंगे, पहले लाइन खींचेंगे फिर उसके एक साथ गिनेंगे, कितना टाइम खराब होगा? तो उंगलियों पर गिनना आसान है कि मुश्किल है? आसान है। अब ऐसे कुछ सवाल मैं और करवाऊँगा, यहाँ पर छोटे नंबर गिनेंगे उसके बाद हम बड़े नंबर गिनेंगे, फिर तुम लोगों को सवाल दूंगा मैं, फिर वो करना है, ठीक है? समझ आया ना? ये उंगलियां हमारे पास हैं, सबको हमने क्या मान लिया, इकाई मान लिया, दहाई मान लिया, उसके बाद जो जो नंबर बोलते जाएंगे उसको बस उंगलियों को खोलना है और बंद करना है, तो समझ लो जुड़ जाएगा अपने आप, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब एक बार एक नंबर और करते हैं, बोलो नंबर, बोलो जल्दी से, दो चार पाँच आठ छः तीन दो पाँच चार सात एक। देखते हैं इसको करके, पहले देख लो कैसे हो रहा है, फिर उसके बाद करना है, ठीक है? धीरे धीरे आएगा, एक बार में नहीं आएगा। दो के लिए दो उंगली, चार के लिए पाँच करा ऊपर एक कम कर दिया तो चार बचा, पाँच करने के लिए यहाँ पे हमने दस जमा किया और पाँच कम कर दिया। आठ के लिए क्या करना है, पाँच छः सात आठ, छः के लिए क्या करना है, हमारे पास यहाँ छः नहीं है, दस बढ़ाएंगे चार कम कर देंगे, छः हो गया। तीन के लिए एक दो तीन, दो के लिए दो यहाँ पे नहीं है, दस बढ़ाएंगे और आठ कम कर देंगे, पाँच छः सात आठ, पाँच बढ़ाने के लिए पाँच कर दिया, चार बढ़ाने के लिए चार आ गए, सात बढ़ाने के लिए सात यहाँ पे नहीं है तो दस बढ़ाएंगे और तीन कम कर देंगे, एक बढ़ाने के लिए एक, कितना आया, फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन, सैंतालीस, कितना आया, सैंतालीस। अब देखो इस बार हम लाइन खींच के नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं कैलकुलेटर पर चेक कर लेते हैं कि हमारा सही आया है या गलत आया है। और एक चीज़ देखना, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, एक मिनट भी पूरा नहीं लगा, चेक करें, सेकंड वाला चेक कर रहे हैं, देखो कितना है, दो जमा चार जमा पाँच जमा आठ जमा छः जमा तीन जमा दो जमा पाँच जमा चार जमा सात जमा एक, कितना आ रहा है, सैतालीस आ रहा है, सही है ना? तो जितना टाइम कैलकुलेटर में लग रहा है उतना टाइम हमें हाथ पे लग रहा है ना? लेकिन कैलकुलेटर में हमें दबाना पड़ रहा है, यहाँ कुछ नहीं दबाना, जो नंबर आया बस उसके हिसाब से उंगली ऊपर नीचे करो, नंबर आ जाएगा हमारे पास, उसका जोड़ पूरा आ जाएगा, है ना? सभी दो जमा चार पाँच आठ दो छः नौ और बोलो एक लास्ट नंबर पांच, हो गया हो गया हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे बाद में, पहले जोड़ेंगे कैलकुलेटर पे, और मुझे नहीं बताना क्या नंबर है, हम लोग क्या करेंगे फिर यहाँ पे अपने फिंगर पे कैलकुलेटर पे जोड़ेंगे, देखेंगे कि कैलकुलेटर का और हमारा कुछ अलग आ रहा है या सेम आ रहा है, ठीक है? जोड़े इसको जल्दी से कैलकुलेटर पे, जब हो जाए तो बताना, बस ये बोलना है कि हो गया, नंबर नहीं बताना कि कितना आया है, ठीक है? किसी को दिखाना नहीं है, हो गया कैलकुलेटर में, हो गया, ठीक है? बताना नहीं कितना आया है। अब हम करते हैं यहाँ पे, देखो दो के लिए हमारा दो फिंगर, तीन के लिए हमारे पास तीन जोड़ना है, तीन हमारे पास तो है नहीं, एक एक वाला है ना, तो पांच जोड़ के दो कम कर देंगे तो तीन हो गया, चार जोड़ना है तो एक दो तीन चार, पांच जोड़ना है तो दस बढ़ा है पांच कम कर दिया, आठ जोड़ना है तो दस बढ़ा के दो कम कर दिया, सात जोड़ना है तो पांच छः सात, दो जोड़ने के लिए दस बढ़ा के आठ कम कर देंगे, पांच छः सात आठ, छः जोड़ना है पांच और एक छः, नौ जोड़ना है दस बढ़ा कर एक कम कर दिया, पांच जोड़ना है दस बढ़ा के पांच कम कर दिया, कितना आया, इक्यावन, कितना आया, सही है, पचास और एक, सही है ना? देखो जितना टाइम कैलकुलेटर में लिखने में लगा
उतना ही हमें इसमें लगा। ये बताने समय में थोड़ा टाइम लगता है, वरना अगर खाली कैलकुलेटर करेंगे ना तो कैलकुलेटर से भी फास्ट हमारे हाथ पे हो जाता है। समझ आ गया? तो अब मैं 3-4 सवाल और करवाऊंगा, उसके बाद जब सीख जाएंगे ना तो तुम लोग को भी करना है, ठीक है? अब क्या है, अभिलाषा बोर्ड पे नंबर लिखेगी जो मैं बोलूंगा, ठीक है? फिर तुम लोगों को क्या करना है, उसी नंबर को अपने उंगलियों के ऊपर जोड़ना है, जैसे सिखाया हुआ है, जैसे सिखाया हुआ है वैसे ही, ठीक है? जोड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन जिनसे बताया उस पर करना है। और फिर अपने पास चुपचाप रहना है, टाइमर ऑन रहेगा 1 मिनट का, और 1 मिनट के बाद क्या करना है, बताना है नंबर जब मैं पूछूंगा, ठीक है? शुरू करें, नंबर लिखवाएं, जोड़ो 4, लिखो वहाँ पे बोर्ड पे, जमा 5, जमा 6, जमा 2, जमा 1, जमा 5, जमा 3, जमा 7, जमा 8, जमा 4, जमा 1, जमा 2। चलो टाइम स्टार्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है? टाइमर ऑन है, देखो टाइमर ऑन है, ठीक है? 1 मिनट होते ही जल्दी से अपने आप करो, बताना नहीं है, जब पूछूंगा तब बताना है। टाइम अप। 48। अब देख लेते हैं, देखो हम लोग उंगली पे करेंगे बाद में, पहले कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, ठीक है? पहले कैलकुलेटर पे जोड़ लेते हैं, क्या क्या नंबर है, 4 जमा 5 जमा 6 जमा 2 जमा 1 जमा 5 जमा 3 जमा 7 जमा 8 जमा 4 जमा 1 जमा 2, कितना आया था? कितना आया था? 48। कितना आया था? 48। जिसका आया है इसके अलावा कुछ और वो गलत है, ठीक है? समझ आ गया? अब इस बार क्या होगा, सूरज कुछ नंबर लिखे हुए यहाँ पे जो मैं बोलूंगा, ठीक है? अब उस नंबर को क्या करना है, 30 सेकंड के अंदर टाइमर हमारे पास रहेगा ऑन, ठीक है? अभी 0 है, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, और 30 सेकंड के बाद मैं पूछूंगा क्या आया है, जोड़ने के बाद बताना है, ठीक है? उससे पहले नहीं बोलना है। शुरू करें, लिखो नंबर, 4 6 7 2 8 5 4 3 1, बस बताओ कितना आया है, जैसे सिखाया है वैसे करो जल्दी से, टाइमर हो गया स्टार्ट। तीन दो एक टाइम अप। कितना हुआ? ठीक है, कितना हुआ अभी देखो, देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। पहले हमारे पास है 4, 4 के बाद 6, 7, 7 के बाद 2, 8, 5, 4, 3, 1। ठीक है, और उसके लिए मिलेगा टाइम बहुत कम, सिर्फ 30 सेकंड मिलेगा। कितना टाइम? उस 30 सेकंड के बाद, पहले भी हो सकता है तुम लोग का, जैसे अभी हुआ था 15 सेकंड में हो गया था ना, 15 से ही पहले हो गया था। 30 सेकंड मिलेगा टाइमर, 30 होते ही स्टॉप कर दूंगा मैं, और जो नंबर दिया जाएगा सबको जोड़ना है एक साथ में। पहले फास्ट नहीं था, वो फास्ट होता जा रहा है, ठीक है? और फास्ट होगा, जितना बार करेंगे उतना और अच्छा होगा। देखो यहाँ पे सवाल, 4 6 5 3 2 7 8 9 5, जोड़ो, टाइम स्टार्ट।
बोलना नहीं है अभी, अभी 15 सेकंड भी नहीं हुआ है और एक आंसर आ गया। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, अभी टाइम अपने दो। टाइम अप, 30 सेकंड हो गया। अब एक बार क्या रहा 49 ना, 49 आ रहा है। अब देखते हैं ये 49 सही है या नहीं है, ठीक है। एक बार हम पहले करते हैं कैलकुलेटर पे, फिर देखेंगे वहां पे। 4 + 6 = 5 3 2 7 8 9 5। अब एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान दो, बस बस बस, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, क्या चीज है। पहले क्या था, एक एक मिनट लगता था पहले करने के लिए जब हम लोग कर रहे थे, है ना। अभी 30 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है, किसी किसी का 15 सेकंड में हो जा रहा है, किसी किसी का 10 सेकंड में हो जा रहा है। इतना सारा नंबर 10 सेकंड में जोड़ना कैलकुलेटर पे भी क्या होता, मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें पहले टाइप करते हैं, जोड़ते हैं, लिखते हैं, तब जाके आंसर मिलता है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस नंबर देखा, फिंगर को ऊपर नीचे किया, खोला बंद किया, आंसर सामने, ठीक है। तो ये मेथड आसान है, मुश्किल है? आसान नहीं था, आसान बना दिया तुम लोगों ने, बड़ा आराम से सीख लिया है, ठीक है। इसका प्रैक्टिस करना घर पे, एक को दे देना कैलकुलेटर फोन के अंदर, ठीक है, और एक सामने बैठेगा, नंबर बोलेगा, उसको जोड़ते जाना और प्रैक्टिस करना, और स्पीड हो जाएगा तुम लोग का। 10-10 सेकंड में आंसर आएगा, 2-2 सेकंड में आंसर आता है, बहुत सारा नंबर होगा 2 सेकंड में आंसर आएगा, ठीक है। सेकंड से भी कम टाइम लगता है इसमें, जैसे कैलकुलेटर में नंबर बहुत सारा डाल लेते हैं, फिर दबाते हैं बराबर का निशान, है ना, इक्वल टू, तो डायरेक्ट आंसर आता है ना, वैसे ही आएगा तुम लोग के हाथ पे आंसर, समझ आया। तो सब प्रैक्टिस करना, ठीक है।